हेलो गाइस, तो 10 ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ़ोन में अगर पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, कुछ लॉक लग गया है तो आप काफ़ी आसानी से उस लॉक को कैसे तोड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो काफ़ी धांसू होने वाली है, सो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन में कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा कि फ़ोन का लॉक लग जाए तो कैसे खोलना है, यानी कि 100% आप सीख के जाएंगे कि किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, चाहे तो रेडमी का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, रियलमी का हो, सैमसंग का हो, किसी भी ब्रांड की कंपनी का फ़ोन हो गाइस, आप सभी कंपनी का फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, फ़ोन लॉक, किसी भी तरह का स्क्रीन लॉक को आप तोड़ सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा झंझट करने का ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। तो आपको लॉक तोड़ने के लिए गाइस, सबसे पहले तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा यार। और एक बात का ध्यान रखें, आपको लॉक तोड़ने के लिए आपका फ़ोन का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपका फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, जैसे कि फ़ोन नंबर, फ़ोटो, वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन में जो सेव रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। और एक बात आपको और डाउट आ रहा होगा कि फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगा है तो क्या मेमोरी कार्ड का डाटा डिलीट होगा? तो नहीं गाइस, मेमोरी कार्ड का डाटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ फ़ोन का डाटा डिलीट होगा, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो देखो, लॉक तोड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। आपको किसी भी फ़ोन हो, कोई भी कंपनी का हो, बस उस फ़ोन को आपको स्विच ऑफ करना है। सो देखिए गाइस, मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ यहाँ से कर देता हूँ। और इसके बाद जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ वो आप ध्यान से देखना गाइस, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके फ़ोन में भी ये नहीं होगा। देखो, जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो आपको यहाँ पे एक बटन का गेम खेलना है आप सबके साथ, इस फ़ोन के साथ। वो बटन है गाइस यहाँ पे एक पावर बटन और यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन। आप ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को एक साथ दबाना है 5 से 10 सेकंड के लिए। और दबाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जब भी फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ लोगो दिखेगा उसके बाद आपको ये बटन को छोड़ देना है। आप समझिए मेरे बातों को पहले। आपको लॉक तोड़ने के लिए गाइस, आपको देखिए यहाँ से पावर बटन और यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा के रखना है 10 सेकंड के लिए। और जब भी आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिखे कि कुछ लोगों दिख गया है, आपका फ़ोन ऑन हो गया, तो बटन को छोड़ देना है। तो देखो कैसे करना है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन, पावर, एक साथ दबाता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर एक साथ दबा रखा हूँ और फ़ोन के स्क्रीन मेरा वाइब्रेट किया और जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ दिया यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाएगा गाइस। आपको कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है, आप छोड़ देना है एकदम चुपचाप इसी तरह से। तो देखो क्या आता है आपके फ़ोन के स्क्रीन पर, जो भी है यहाँ पर लाइव हो रहा है, सामने एकदम होगा गाइस। तो देखो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आ गया है यहाँ पर, ब्लैक कलर में ज़्यादा पता तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ब्राइटनेस भी थोड़ी कम है गाइस, तो बढ़ नहीं रहा है ब्राइटनेस यहाँ से। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद एक ऑप्शन से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, बढ़िया से ध्यान से अगर आप देखिएगा तो नीचे में एक ऑप्शन है वाइप डाटा को, तो आपको वाइप डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, जो आपका फ़ोन का पासवर्ड नहीं है गाइस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ोन का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर पासवर्ड पहले से ही दे रखा होता है, प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ से 1747 जो लिखा है वही डालना है, 1747। और डालने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डाटा का एक ऑप्शन दिख जाएगा गाइस, तो ये फॉर्मेट डाटा वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से पूछेगा कि ऑल यूज़र डाटा विल बी रीसेट, तो यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपका सारा डाटा जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा और आपका फ़ोन का सारा डाटा उड़ जाएगा और उसके बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा। देखो कैसे क्या करना है वो सभी प्रोसेस अभी बताता हूँ गाइस। अब ये जब प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, समझ जाए कि आपका लॉक टूट गया। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइप सक्सेसफुली हो चुका है, तो ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस। अब क्लिक करने के बाद अब देखिए, यहाँ से आपका फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो गया, यानी फिर से बंद होकर के चालू हुआ है। और जब आपका फ़ोन चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो करना क्या है गाइस, आपका सारा लॉक जो है वो खुल गया है, आप जा कर के वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉक जो है वो खुल चुका है और यहाँ पे जो भी पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा था वो अब नहीं मांग रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी आसानी से मैं बाईपास हो चुका हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप अपने फ़ोन का लॉक खोल सकते हैं। तो यार आप हमें बताओ कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।